ताजुल इस्लामवाला। तो आज हम यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी में क्यों साथ में गैदर हुए हैं, सिर्फ एल एस ए नहीं, बाकी जेर एस ए, एल एस एस ए और उसी की तरह अपना आर टी वाई सी चंडीगढ़, कि ये सारे लोग आज इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि वी नो सिंस सो मेनी वीक्स अ फॉल्स एलिगेशन हैज़ बिन गोइंग अराउंड सोशल मीडिया हिज होलीनेस दलाई लामा के अगेंस्ट। उन्हें पता नहीं किन किन नामों से बुलाया जा रहा है, पेडोफाइल, चाइल्ड अब्यूज़, एंड पता नहीं गंदे गंदे वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं। सो टुडे वी आर शोइंग द पावर ऑफ यू, पावर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम हिमालयन रीजन, फ्रॉम टिबेटन कम्युनिटी, फ्रॉम लद्दाखी कम्युनिटी, फ्रॉम हिमाचली कम्युनिटी। सो आज हम यहाँ सारे गांधी भवन के सामने एकत्रित होकर यही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ताकि साथ ही साथ में हम इस सॉलिडनेस के मैसेज को भी दे सकें, दैट इज़ लव, पीस एंड कम्पैशन। इसी की तरह से इस तरह हम उन मीडिया पर्सन, उन सेलिब्रिटीज़ को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो गलत काम उन्होंने किया है, फॉल्स एलिगेशन देकर इस सॉलिडनेस की तरफ, वो गलत है और उनको जल्द से जल्द इस सॉलिडनेस को अपोलोजाइज करना ही पड़े। That's the message from the youth to the media, especially to the renowned media people, like NDTV, जो कि बहुत ही famous है और जिनका बहुत बड़ा नाम है। अगर वो लोग बिना research करें ऐसे false news देना start करेंगे तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? That's our message to the media people and the celebrities. Thank you. Thank you so much.